Java shell, a programmer's bird. हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में इंटीजर की रेंज को समझा था और उसकी रेंज में जाना था कि किस रेंज पर हम काम कर सकते हैं, कैसे ओवरफ्लो और अंडरफ्लो हो जाता है जब हम ये बर्स्ट वैल्यू करते थे -1 और +1। अब हम जानेंगे बाइट के बारे में, जो हमारा अगला प्रिमिटिव डाटा टाइप है। इसमें भी हम बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम लिखेंगे। इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम उसकी इनबिल्ट क्लास से निकालेंगे और उसके बाद इसको हम स्क्रीन में डिस्प्ले करवा देंगे system.out.println की मदद से। और शॉर्ट में भी यही, शॉर्ट को भी हम डिक्लेयर करेंगे। शॉर्ट एक डेटा टाइप है जिसको हमने डिक्लेयर किया माय मिनिमम शॉर्ट से, और उसकी इनबिल्ट क्लास से जो बिग शॉर्ट है उसमें हम अपनी मिनिमम वैल्यू कॉल करवा लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू भी। अब हम इसे इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन हो रहा है और आप देख सकते हैं बाइट की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, -128, और बाइट की मैक्सिमम वैल्यू 127। आप देख सकते हैं इंटीजर के कंपैरेटिवली इसकी वैल्यू कितनी कम है। ऐसे ही शॉर्ट में भी कि ये -32768 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी है 32767, वो भी इंटीजर के कंपैरेटिवली कम है, पर बाइट के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा है। अब हमने ये जान लिया होगा कि ये इसकी वैल्यू कम है, तो इसका फ़ायदा हमारे प्रोग्राम्स में कैसे। देखिए, जब भी हम प्रोग्राम बाइट या शॉर्ट डेटा टाइप यूज़ करके बनाएंगे तो ये मेमोरी आपकी बहुत ही कम लेगा और इसमें इसके मुताबिक ही रेंज के वैल्यूज डाल सकते हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज इनमें नहीं डाल सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा क्योंकि ये कम मेमोरी लेता है। बट आजकल के कंप्यूटर्स इतने एफिशिएंट आ रहे हैं और इतनी अच्छी मेमोरी है, तो हमें अब इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम आराम से इंटीजर या लॉन्ग भी ले सकते हैं, जब भी मेमोरी की अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये तब बता रही हूँ जिन केसेस में मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो वो बाइट या शॉर्ट यूज़ करके अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। इसमें कोई एरर आने की वो नहीं होगी, अक्रेंस नहीं होएगी, कोई भी एरर की अक्रेंस नहीं होएगी। एंड अब इसके बारे में थोड़ा हम और भी जानेंगे। मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि स्मॉल डेटा टाइप्स है जो हमारी लेस स्पेस लेता है और इजीली एक्सेस भी हो जाता है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक बाइट जो है वो कितनी स्पेस आपके कंप्यूटर में लेता है। वो बिल्कुल 8 बिट्स लेता है और बिट बिल्कुल भी प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। हाँ, बुलियन ज़रूर है, बट इसके बारे में अपनी अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। बाइट अगर 8 बिट ले रहा है तो इसका मतलब इसकी विड्थ भी 8 ही है, और शॉर्ट की वैल्यू इससे थोड़ी सी मैं कहूँगी बड़ी है, जो ये 16 बिट्स लेता है और इसकी विड्थ 16 है। और इंटीजर जो है 32 बिट्स लेता है और इसकी विड्थ 32 है। हमारा इसमें पॉइंट ये बताने का है कि हर प्रिमिटिव डाटा टाइप अपनी अलग अलग मेमोरी लेता है और इंटीजर जो है सबसे ज़्यादा अब तक मेमोरी ले रहा है। अब हम जानेंगे अपने अगले प्रिमिटिव के बारे में, प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में, वो है लॉन्ग। एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। Long, let it be x, और इसकी वैल्यू हम दे सकते हैं 100। मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, यहाँ पर एक रेड लाइन आ रही है और ये कह रहा है कि ये लॉन्ग डेफिनेशन को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। लॉन्ग जो है डेटा टाइप वो इंटीजर का भी डबल है।
सो टू स्पेसिफाई कि नंबर इतना बड़ा है कि हम यहाँ पर एल लिखेंगे. एंड रिमेंबर इट शुड नॉट बी द स्मॉलेस्ट वन, इट शुड बी द बिग वन. रिप्लेस इट विद बिग एल. अब हमने इसे बिग एल के साथ रिप्लेस कर दिया है और सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं. कह रहे हैं एक्स हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ है तो हम यहाँ वाई डिक्लेयर कर देते हैं. अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, जी सारा हम ऊपर से उठाएंगे, कॉपी करते हैं, इसके नीचे पेस्ट करेंगे. हम लॉन्ग के लिए भी रन करके देखेंगे कि इसकी क्या रेंज आती है. इसको सिलेक्ट कीजिए, हम यहाँ पर इसे रिप्लेस कर सकते हैं. शॉर्ट को लॉन्ग के साथ ध्यान रहे कि हमने यहाँ पर एल छोटा करना है. बाकी बिल्कुल सेम रहेगा. ये क्लास है लॉन्ग जो इनबिल्ट क्लास है, इसलिए हमने इसका एल बड़ा लिखा है. अब हम इसे रन करेंगे और जानेंगे कि इसकी क्या रेंज आ रही है. ये देखिए ये इंटीजर के करीबन डबल है जो हमने पहले वैल्यूज निकाली थी, तो इसीलिए इसे लॉन्ग कहा जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू उससे भी बड़ी होती है. एक और बात मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि अब हम देखेंगे कि हमें एल लगाना क्यों जरूरी है. हमने यहाँ पर 100 एल लगाया है, पर हमने ये क्यों लगाया है मैं आपको एक और डिक्लेरेशन के थ्रू बताना चाहूंगी. सपोज हम लेते हैं लॉन्ग z और इसकी वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं जो हमारी, एक मिनट रन करती हूँ मैं. ये हमारी वैसे यहाँ पर भी वैल्यू मेंशन होगी, इंट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो थी ये, या हम रन करके आपको दिखाते हैं इंटीजर की रेंज. इंटीजर की रेंज में हम उसका नंबर देखेंगे जो कि ये है. इसको आप कॉपी कर लीजिए. और लॉन्ग की नई वैल्यू में इसको फिल कर दीजिए कि आपको पता है इंटीजर की ये सबसे बड़ी वैल्यू है. और मैं चाहूंगी कि आप इससे दो तीन नंबर एक्स्ट्रा ही लिख दीजिए, जैसे कि ये सबसे बड़ी वैल्यू थी 6, 7, 8. आप और भी लिख सकते हैं और यहाँ पर सेमीकॉलन लगा के इसे क्लोज कर दीजिए. आपको यहाँ एक एरर दिखेगा. ये एरर क्या है कि इंटीजर बिट इज, ये देखिए इंटीजर नंबर टू लार्ज. वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एल नहीं लिखा. एक बार आप एल लिख दीजिए तो ये अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा और कोई एरर नहीं दिखाएगा. अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं.
ये देखिए ये प्रिंट हो चुका है और इसकी वैल्यू भी ये दे रहा है और विदाउट एल दे रहा है। अगर हम एल नहीं लिखेंगे तो ये प्रिंट नहीं करेगा, ये हमें एरर दे देगा। लॉन्ग के साथ बिग एल लिखना बहुत ज़रूरी है, ये स्पेसिफाई करता है कि ये लॉन्ग डेटा टाइप का पार्ट है और ये लॉन्ग नंबर है और ये इसी तरीके से प्रिंट होता है। थैंक यू दोस्तों, मेरे अगले ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा और अपना जावा का कोर्स अपडेट रखिएगा। थैंक यू। Please don't forget to like, subscribe, and share my page.